हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टेन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम में एक नया फीचर आया है जिसका नाम है क्यूआर कोड। तो यहां पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहां पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस क्यूआर कोड का क्या यूज़ है, हमें कैसे इसे यूज़ करना है और कैसे अपने इंस्टाग्राम में इस क्यूआर कोड को इनेबल करना है। तो दोस्तों इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले WhatsApp ने भी ये फीचर अपने WhatsApp के अंदर इनेबल किया था, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता कि WhatsApp QR कोड का किस तरह से हमें यूज़ करना है तो मैं आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे Instagram QR कोड की। तो दोस्तों अगर आपके इंस्टाग्राम में ये फीचर अभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाकर अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा ताकि ये फीचर आपके इंस्टाग्राम में आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम है ये अभी अपडेट नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे अपडेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारा समय ख़राब ना हो। तो हमारा इंस्टाग्राम अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद आप अपने सिंपली इंस्टाग्राम पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर होम पेज इस तरह से देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जाना है अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इस क्यूआर कोड का क्या यूज़ है और हमें किस तरह से इस क्यूआर कोड का यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपके बहुत सारे कस्टमर का आना जाना लगा रहता है, तो दोस्तों अगर आपको अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है इंस्टाग्राम पर तो आप इस क्यूआर कोड को अपने रेस्टोरेंट के बाहर या अपने बिजनेस शॉप के बाहर इस क्यूआर कोड को लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कस्टमर सिंपली अपने इंस्टाग्राम में आने के बाद इस स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर उसे आपका नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका यूज़र नेम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को प्रिंट आउट निकाल कर अपने शॉप के या अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगाना है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपका इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको फॉलो कर सकता है। इसे कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ 3-4 कलर देखने को मिलते हैं। इसके बाद कलर सेट करने के बाद सिंपली आप इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कहाँ आप इसे शेयर करना चाहते हैं। तो हम सिंपली इसे व्हाट्सएप पर शेयर करके दिखा देते हैं ताकि आप भी इसे अपने किसी व्हाट्सएप पर शेयर करने के बाद इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकला सकें। तो सिंपली हम इसे शेयर कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज हमारे पास आ चुकी है हमारे व्हाट्सएप के अंदर। यहाँ पर ये क्यूआर कोड आप यहां से निकाल कर इसे अपने शॉप के बाहर लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।